जमशेदपुर में भाजमो पश्चिम विधानसभा इकाई का कार्यकर्ता सम्मेलन रविवार को मानगो स्थित राजस्थान भवन सभागार में आयोजित किया गया, जहां सैकड़ों कार्यकर्ता ने शामिल होकर कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। मौके पर पार्टी के मुख्य संरक्षक सह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी के पूर्वी विधानसभा के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सम्मेलन में मुख्य रूप से पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में उत्पन्न जन समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान विधायक सरयू राय ने कहा कि जब वे इस क्षेत्र से विधायक थे तब जनहित के कार्यों में तेजी होती थी, लेकिन अब वही कार्य शिथिल हो गए हैं। निचले इलाकों में बाढ़ को रोकने के लिए कोई कार्य नहीं हुआ है। बढ़ती जनसंख्या के आधार पर सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हुआ है। ऐसे तमाम मुद्दों पर यहां चर्चा की गई, साथ ही आगे इस पर आंदोलन करने की रणनीति भी बनाई गई। पिछले दो वर्षों में जमशेदपुर पश्चिम में जो विकास हो रहा था उसकी गति थम गई है, और हमारे समाज का जो बहुसंख्यक तबका है वो महसूस कर रहा है कि हमारे हितों की अनदेखी हो रही है। मैंने इनसे ही आग्रह किया है कि आप सभी लोगों के पास जाएं, उनकी समस्याओं को जानें, संपर्क करें, समस्या जानें समाधान के लिए सरकार और नगर निगम के ऊपर दबाव डालें, ये काम ये करें, तो मुझे लगता है कि आज जो सम्मेलन हुआ है उसकी सार्थकता होगी। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।